आज सोमवती अमावस्या का पर्व है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सोमवती अमावस्या के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, पूजा पाठ करना, हवन इत्यादि करने से विशेष लाभ मिलता है। इस विश्वास के साथ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हुए। आज सुबह की शुरुआत भस्म आरती से हुई, जो महाकालेश्वर मंदिर की प्रमुख और अनूठी परंपरा है। भस्म आरती के दौरान भगवान शिव को भस्म से अलंकृत किया जाता है। इस आरती को देखने के लिए भक्तों में खासा उत्साह रहता है और आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। मंदिर के अंदर की छवि भी बेहद भव्य है। चारों ओर से गूंजते मंत्रों की ध्वनि और भक्ति से भरा यह माहौल हर भक्त को आध्यात्मिक आनंद दे जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लगी हुई। सभी श्रद्धालु भक्तों की निगाहें भगवान शिव के दर्शन और कृपा पाने के लिए लालायित है। उज्जैन के इस प्रसिद्ध मंदिर में इस दिन विशेष करके दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर किया गया दान जीवन के सभी दुखों को दूर करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज के दिन यहाँ आने वाले भक्त स्नान के बाद दान पुण्य अवश्य करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासन ने भी इस दिन के लिए विशेष तैयारी की थी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भक्तों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बावजूद भी किसी को भी असुविधा ना हो। तो ये था उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सोमवती अमावस्या का विशेष कार्यक्रम, जहां भक्ति और श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला। इस दिन की महत्ता को देखते हुए देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव से अपनी प्रार्थनाएं की। आज के इस खास दिन पर हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करें और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक।